पीआर स्पोर्ट्स ऑल द बेस्ट यहाँ पर नीलेश तुम्मा जी और अमित की तरफ से। यहाँ पर पहली गेंद एक रन। बढ़िया गेंद, तेज रफ्तार गेंद, यहां पर स्लोअर गेंद थी, खेल दिया यहां पर चार रनों के लिए। कैप्टन कमेटी के पास आ जाए, संपर्क करें उनसे। पिंट को हैट्रिक पे ₹1,000 छक्के पे अमित की तरफ से। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, डॉट गेंद, इस बार उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, यहां पर कैच छूटता हुआ पिंटू का। दो रन मिलता हुआ यहां पर कैच छूटने पर पिंटू को। स्कोर हो चुका है 7 रन, 5 गेंदे, पावर प्ले की आखिरी गेंद। थर्ड अंपायर नो चेक करना है। मधुकर बोयर यांचे हार्दिक स्वागत। अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करना है, अंपायर यहां है, थर्ड अंपायर डिसीजन देंगे। बॉल है, बॉल है, अंपायर डिसीजन।
एक ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 रन। अंपायर रिव्यू नहीं है, डायरेक्ट डिसीजन आपको ही देना है। अंपायर डिसीजन ही लास्ट डिसीजन रहेगा। चलिए मैच स्टार्ट करके रखना है। दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं श्री साई स्पोर्ट्स की तरफ से भूमेश। पहली ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की स्कोर 8 रन। अच्छी गेंदबाजी वहां पर अमर द्वारा, खामोश रखा दोनों ही बल्लेबाज को। दूसरी ओवर लेकर आ रहे भूमेश, शॉर्ट पिच गेंद वहां पर अमर, 1 रन मिलता हुआ। दूसरे रन के लिए भाग गए बंटी, 2 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। 2 रन से स्कोर बढ़कर 10 रन। मधुकर बोइट जी का स्वागत करेंगे हमारे बीच विघ्नेश शामल जी। दूसरी गेंद, ब्लॉक की गेंद, डॉट गेंद, हमारे बीच यहाँ पर स्वागत होने जा रहा है मधुकर बोइट जी का विघ्नेश सामल जी के हाथों से। स्कोर हो चुका है 11 रन। दूसरे ओवर की 3 गेंद, अब स्ट्राइक पर है बंटी। यहां पर रोहित स्वीप, स्वीप कर दिया यहां पर रोहित स्वीप 6 रनों के लिए। एक बार फिर से वही शॉट मारने की कोशिश, इस बार थोड़ी गेंद ऊपर रही, डॉट बॉल। प्रभाकर श्यामल जी का यहाँ पर सत्कार हो रहा है हमारे बीच शिवा कुरापाटी जी के हाथ से। शॉट गेंद, बॉल खड़ी हो गई हवा में, 3 फील्डर भाग रहे, 1 रन मिलता हुआ इस गेंद पर। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर हो चुका है 18। कोई विकेट का नुकसान नहीं।
अशोक वेलडंडी का स्वागत करेंगे दत्ता जाधव। फील्ड आगे लेनी फटाफट। प्रिंसेस अभिक्षा बोयर यांचा स्वागत करना है। स्वागत है आप स्टेज पर आपका। इसी बीच बड़ा विकेट बंटी आउट होकर जा रहे पीआर स्पोर्ट्स की प्लेयर। ईश्वर शॉर्ट पिच गेंद कट कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद। एक रन मिलता हुआ, एक रन से स्कोर बढ़कर हो चुका है 19। यहां पर इसी बीच एक छे लगा दिया है पिंटू ने, जबरदस्त शॉट। कैरम बोंडा जी की तरफ से हर छक्के पे 500 रुपए का इनाम अभी से। सुरेश कैरम जो कोंडा जी का सत्कार करेंगे दत्तू पेंडू जी। स्कोर हो चुका है 26। एक बार फिर से उठाकर खेला है गैप में, बॉल जाते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उनतीस रन हो चुके 29।
एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी इस बार कुमार गुंडा का। एक रन से स्कोर बढ़कर हो चुका है 30। ईश्वर की आखिरी गेंद, स्ट्राइक पर रहेंगे कप्तान ईश्वर। बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल से खोद के निकाला है, वहां पर फील्डर मौजूद अनिल, वहां पर फील्डर मौजूद थे। दो रन मिलता हुआ। दो रन से स्कोर बढ़कर हो चुका है 32। तीन ओवर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर, जो कि बंटी आउट होके गए थे। टॉस के लिए आना है यहाँ पर, इसके बाद दोनों ही टीम को पीसीसी स्पोर्ट्स वर्सेस ओमकार स्पोर्ट्स, दोनों ही ओमकार स्पोर्ट्स को आना है लेकर आ रहे। इस बार लो फुल टॉस गेंद खेल दिया वहां पर, राकेश मौजूद। एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। पीआर स्पोर्ट्स के पूरी टीम को जग्गू और राहुल वेमुल की तरफ से ऑल द बेस्ट। बढ़िया गेंद, स्लो गेंद, एक एक रन से स्कोर बढ़कर होता हुआ 34। बचे हुए चार गेंदों पे देखते कितना रन बना सकती है पीआर स्पोर्ट्स की टीम। सिरसाई स्पोर्ट्स एक अच्छी टीम, अच्छी बल्लेबाजी है उनके टीम में, राकेश, भूमेश, कुमार गुंडा कप्तान खुद। इस बार कटर मारा था पिंडिया ने, खेल दिया बॉल को उठाकर अपने ही 501 रुपए यहां पर पिंडिया को। दो रन से स्कोर बढ़कर हो चुका है 43। चार गेंदें हो चुकी है, बची हुई दो गेंदों पे देखते क्या होता है। हेलो, अ
अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। अभी इस इनिंग की आखिरी गेंद डालेंगे गणेश, स्ट्राइक पर है पिंटू। इस बार फिर से उठा के खेलने की कोशिश, वहां पर राकेश मौजूद, अरे बढ़िया कैच।
सोच में पड़ गया सीनू, अब क्या करे हो। पहले मिस फील्ड, पहली गेंद पर और ये चार। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त पुल लेन की गेंद थी, जबरदस्त खूबसूरत लाइन की गेंद थी, संपर्क नहीं हुआ बल्ले का गेंद से। और क्या खाना रखा था, स्वादिष्ट चौदार जबरदस्त पुलाव यहाँ पर जय भवानी ने स्पॉन्सर्स किया है सभी खिलाड़ियों के लिए, और दर्शक भी थोड़े थोड़े खा के गए, अच्छा लगा है। ऐसे ही सहयोग करते रहे, ऐसे ही प्रतियोगिता आयोजन करते रहे। फिर से एक बार लॉर्ड फुटॉस गए चीनू के पास, इस बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वहां पर कोई गलती नहीं, एक रन जरूर मिलेगा। अब स्कोर बढ़कर हो गया 5-44 का टारगेट है। हमारे स्कोरर ऑफिशियल स्कोरर नीलेश गुजरे और हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर निखिल, इनका भी हार्दिक स्वागत। लाइव टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रहे, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी स्क्रीन के माध्यम से। डीजे मैन, डीजे, इनका भी हार्दिक स्वागत है। इस बार ओ माय गॉड, ये क्या जी हाँ, ये देखिए पहले भी इसी तरह पहली गेंद पर आउट हुए थे राकेश, और एक बार फिर से पहली गेंद पर आउट होकर जा रहे हैं राकेश। अब नए बल्लेबाज आए, चिनू चिंटू, देखते हैं चिंटू क्या करते हैं अपने टीम के लिए। 44 का टारगेट है और अच्छी टीम है, फाइनल से पहले फाइनल ये मुकाबला आपको देखने मिलेगा भाई, क्योंकि दोनों ही टीम मजबूत है। रोहन, बहुत ही बढ़िया ब्लॉक हॉल गेंद की थी, एक रन जरूर मिलेगा क्योंकि ये पावर प्ले का ओर चलता हुआ, और पावर प्ले में जो गेंदबाजी करता है उसे खास खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि अगर दो खिलाड़ी बाहर रहते हैं, 9 के 9 खिलाड़ी अंदर रहते हैं, इसमें रन बटोरना आसान रहता है, लेकिन गेंदबाजी चल पड़ी तो मुश्किल होते रन करने में। तो यहां पर तो गजा नहीं तो मजा नहीं, गजा भी खेल रहे हैं। अनिल, 5 गेंदों पे 6 रन, 1 विकेट राकेश का गिरा था। लोअर फुटर्स गेंद, फिर से एक बार 30 yard सर्कल के अंदर गेंद, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ओवर की समाप्ति। स्कोर हो गया 6-7, 6-7, 6 गेंदे हो चुकी है, 7 रन हो चुके हैं, 44 का टारगेट है। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था बीसीसी के सामने क्या परफॉर्म रहा था ओंकार स्पोर्ट्स कुंभड़ पाड़ेगा, लेकिन आसान सा मैच, हाथ का मैच गलाते हुए बीसीसी निराशा होते इस प्रतियोगिता से बाहर होती है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला है दोनों ही टीम के बीच, पीआर स्पोर्ट्स श्री साई स्पोर्ट्स, फाइनल से पहले फाइनल दोनों ही टीम के बीच। నేను చూస్తుంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే, నీ చూపులు వేనే రెబ్బలు వేజీ కప్పేస్తావే,
కనిపించును దేవున్నే కన్నాడ బగుతావే కన్నులేదితే నేనుంటే కానుంటే చూపే బంగారం మాయనే శ్రీవల్లి నువ్వే నవరత్న మాయనే అరే తేరి జనక షర్ఫీ శ్రీవల్లి నైనా మదక్ బర్ఫీ प्यार एक बम्पर ऑफर आया है, कोई भी बॉलर हैट्रिक लेंगे तो पांडुरंग कोमलवार की ओर से 1001 रुपए का इनाम। बॉलर को नाला विशाल। ओ माय गॉड, पहली गेंद लेंथ और लाइन भूल चुके हैं वहां पर। एम्पायर को इशारा नहीं करना है बल्लेबाज, क्योंकि एम्पायर हमने रखे गए उसके लिए ही, जो गलत रहेगा वो गलत ही है। खूबसूरत ग्राउंड, समुंदर किनारे, ऐसा लग रहा है कोई फॉरेन कंट्री में ये मुकाबला चल रहा है। इस बार उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर वहां पर विज्जू, बिग मैन, बिग शो, WWE चैंपियन। धूम धूम कुमार आए, पीआर स्पोर्ट्स के स्पॉन्सर नीलेश तुम्मा जी, इनका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। कुमार गुंडा है बल्लेबाजी के लिए विशाल के सामने। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, खतरा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट का प्रयास किया था वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा। अब एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 9, धाव संख्या झाली 3-9। दूसरा षटक मार्गस्थ, प्रगति स्तरावर दूसरा षटक विशाल याचं। फुटास गेंद उठाकर खेला है स्क्वायर लेग मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन लिया, दूसरा रन लिया, दो रन से संतुष्ट रहना चाहते वहां पर। थोड़ी सी ताकत, स्ट्रोक, नजाकत सब कम गिरी वहां पर, अगर आड़ा फटका लगता तो जरूर ग्राउंड के बाहर जाता, लेकिन आसमानी सैर करती हुई गेंद चली गई थी स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर, दो रन पूरे किए बल्लेबाजों ने, दो रन से स्कोर बढ़कर हो गया अब 11, डबल वन, डबल एक्का, एका और एक 11। सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी, सभी प्रेक्षक यहां पर मौजूद है, उनका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम ऑल ऑफ यू। अगली गेंद, ओ माय गॉड, ये क्या छुट्टा हुआ, ऐसा लग रहा है मैच छुट्टा हुआ ईश्वर के हाथों से, ईश्वर कप्तान, ईश्वर गॉड, परमात्मा, परमेश्वर, इनके हाथों से क्या छुट्टा हुआ। चार गेंदें हो चुकी है अभी भी, 11 रन, दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ। अगली गेंद विशाल की,
इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, और ये डॉट होते हुए मुश्किली खड़ी होती हुई श्री साई स्पोर्ट्स के सामने। विशाल विशाल जैसी गेंदबाजी करते हुए रिवर्सिव खेला है। ओह बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शीनू की, दिल सबका धड़का लेकिन वहां पे है शीनू तड़का। दौर की समाप्ति 12 रन, 6.00 अवसर से चलता हुआ श्री साई स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 44 का टारगेट रखा गया है, तो 12 रन हो चुके, अब 12 गेंदे 32 रनों की जरूरत, 12 पे 32, 32। बारह चेंडूत 32 धावांची गरज, फाइनल से पहले फाइनल, बिग शो बिग इवेंट सुपर संडे जेपीएल ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब कामतघर। और इस पूरे प्रतियोगिता के वन मैन शो गणेश नक्का, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोर्चे पे लगाए वहां पर बंटी को, तीसरा ओवर बंटी, अर्शल क्या कर रहा है, अर्शल अर्शल को बुला। गणेश कामिनवार इनकी ओर से बेस्ट ऑफ लक पीआर स्पोर्ट्स को, अगर बंटी 3 विकेट हैट्रिक निकालेंगे तो गणेश कामिनवार इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। इस बार व्हाइट बॉल, एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ छोटी बच्ची आई है अभिक्षा अभिषेक भोईर, ये नन्नी मुन्नी बच्ची आई है यहाँ पर। तो बेटा कुर्सी और उबारा दिस, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए एक छोटा जबरदस्त सुंदर और एकदम नाइस ऐसा पोएम जो प्रेजेंट करने वाली है, तो बोलना पोएम तू एक ही। जॉनी जॉनी यस पापा Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. ये दूसरी कौन थी तेरे लिए? बस, very good बेटा, very good. बोली मोटी क्वेश्चन है। जबरदस्त एक पोएम थी बोलना रहती। बढ़िया गेंद, बढ़िया बॉल, जबरदस्त कटार, इन कटार, लिटिल स्टार। अच्छी गेंदबाजी अभिक्षा भोईर, जबरदस्त सुंदर पोएम आपल्या समोर सादर केले, बचपन की याद ताजे किए। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, ये क्या दौड़ चुके वहां पर, रन आउट के रूप में आउट होकर जा रहे चिंटू। बोल रहे भाई उसको मालूम है।
नौ गेंदे 31। बंटी वहां पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे अपने टीम के लिए, एक वाइड के रूप में रन आया था, 13 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। और ये भूमेश का विकेट, बड़ा विकेट माना जा सकता है ये। हर विकेट पे 500 रुपए का इनाम, पीआर स्पोर्ट ज्यादा सीरियसली ले लिया ऐसा लगता है। विकेट गिराने पे लग गई है वो। नए बल्लेबाज आए गणेश गुंडा, इस बार उठाया है गेंद जा रही है वन डायरेक्ट। और ये 6 रन। समय के मामले में सहयोग करना है। नहीं नहीं बोलू क्या, थर्ड एम्पर नीचे गिरा स्कोर है, निकल बताने दो स्कोर स्कोर। तो थर्ड एम्पर ने यहाँ पर डिसीजन दिया है कि 4 रन है। सत्रह रन ना,
17 रन हो चुके, 17 रन। ओवर की आखिरी गेंद, इस बार खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब यहां पर छक्का लगा। छह गेंदे 21, लोअर फुल टॉस गेंद, जोरदार अपील वहां पर, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से स्कोर हो गया है 24। अभी यहां से 5 गेंदे 20 रनों की जरूरत। ओमकार स्पोर्ट्स कुंभड़पाड़ा के कैप्टन स्टेज के पास आना है। 5 गेंदे 20 रन, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कुछ भी हो सकता है आखिरी गेंद तक। गजा एक बार फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर मुड़ते हुए गणेश गुंडा के लिए, इस बार उठाया है गेंद आसमान में, बंटी और यहां पर खतरों की घंटी।
इस बार अच्छा खासा स्ट्रोक खेला है और इस सीमा रेखा के बाहर चार रन। फ्री हिट दो गेंदे दस रन। इस बार कार्पेट स्ट्रोक खेला है, एक रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, वहां पर दौड़ चुके हैं, चलेगा चलेगा चलेगा, दो रन पूरे किए। अब एक गेंद आठ रन। एक गेंद आठ रन। इस बार आसमानी शेयर करती और यहां पर निराशा श्री साई स्पोर्ट्स के लिए। कांग्रेचुलेशन। पिंटू जी हाँ, मैन ऑफ द मैच पिंटू को आना है मैन ऑफ द मैच के लिए। पिंटू पीआर स्पोर्ट्स के पिंटू और बंटी दोनों ही स्टेज पे आना है। चलो पिंटू बंटी चलिए आलक श्री साई स्पोर्ट्स स्टेज पर कांग्रेचुलेशंस। स्टेज पे रोहन विशाल बंटी गजा चारों जन को आना है स्टेज पे। पिंटू को भी गजा विशाल बंटी रोहन चारों जन को स्टेज पे आना है। चारों जन ने विकेट लिया अपने 501 रुपए के लिए स्टेज पे आना है। आओ गजा पीआर स्पोर्ट्स आपको सुरेश कैरम कंडा की ओर से 3000 रुपया टीम के लिए और ये चारों खिलाड़ियों को जिन्होंने छक्के लगाए चौके लगाए विकेट जितने भी लगाए उन पे